सकते हैं सुबह बेकरी के रोड की तरफ से एक कतार सी लगी हुई है और लोग खैर का बड़े शौक से ले रहे हैं और इनका जौक जायके पर बिल्कुल मुताबिकत रखता है और जौक दौजो खा रहे हैं और बना रहे हैं कतार और कर रहे हैं रोड के हसूल का इंतज़ार। उससे बेनियाज बिल्कुल ये लोग लाइन में ठहर कर रोड ले रहे हैं जो इस बात को जाहिर करता है कि जायका यकीनन हर चीज़ पर हावी है और डोमिनेंस ऑफ टेस्ट कैन बी सीन हियर बाय सीइंग द क्यू। आ रहे हैं कतार में शरीक हो रहे हैं और बिल्कुल यहाँ से आने के बाद इधर काउंटर पर इन्हें दस्तियाब है। कतार बिल्कुल वस्त पे थी, अब बिल्कुल आ गई है किनारे पर, आप देख सकते हैं लगातार आप देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ उतर कर लोग यहाँ तक आ गए हैं और इसमें और भी लोग ज्वाइन होंगे, देख सकते हैं आप। लगता है वक्त नाम है कटने का, गुजरने का, उस वक्त के गुजरने के साथ साथ ये कतार में भी गुनागुन इजाफा हो रहा है। देख सकते हैं आप मुख्तलिफ लाइन उधर जाकर हुसूल के बाद चली गई, फिर लोग जुड़ते गए और ये लाइन जैसी की वैसी है। इसका मतलब यह है कि लोग जौक दर्जो खा रहे हैं और रोड लेकर मुतमइन होकर जा रहे हैं। इन लोग इतने ज़्यादा हो गए कि ख़वातीन की लाइन या कतार अलग बन गई है। तो सुबहान का जायका एक अपनी दायमी शिनाख्त रखता है एंड इट शोज ऑसम आइडेंटिटी ऑफ सुबहान बेकरी, मेड बी बेकरी आइटम्स रोड और एनी थिंग, एवरी थिंग इज नंबर वन। 40 आधा किलो, 680 किलो, 125 साल तारीफ थी सुबहान बेकरी और उसके मुहर्रम के खसूस रोड। और नाज़रीन जब भी हम बताना चाहते हैं तो रोड लेने के दर्शन दे रहे हैं और सुबहान बेकरी के रोड को खाना एक अपना फरीदा समझते हैं, लाइन में ठहरते हैं फर्ज समझ कर, रोड हासिल करने की गर्ज समझ कर। तो ये है मुझे ही नजर सुबहान बेकरी का और सर चढ़ के बोलता है। इस बात की तस्दीक ये लोग कर रहे हैं, हुजूम कर रहा है आवाम का। अच्छा जी, लाइन में करना पड़ा जी जी, जायका अच्छा है बल्कि उसका, इसके लिए लेके जा रहा हूँ, हर साल लेता हूँ मैं। नाज़रीन की खिदमत का सलाम, हम होते हैं हम कलाम और आपको बताते हैं वो मुकाम जहाँ पर लोग जायके को जहन में रखते हुए एक कतार बना रहे हैं और ये कतार हो रही है लगातार बढ़ती जा रही है। उसकी वजह नाज़रीन सुबहान बेकरी वैसे तो हर आइटम के लिए अपना एक मुकाम रखती है, एक क्वालिटी रखती है, एक सनद रखती है। अब ये माह मुहर्रम के खुसूसी मौके पर स्पेशल दम के रोड यहाँ बनते हैं तो उसे लेने की गर्ज से लोग कतार में है ठहरे, देख सकते हैं आप। और हर कोई हुसूल रोड की गर्ज से इंतज़ार में है। हम आपको बताएंगे यहाँ की कतार और ये किस तरह बढ़ रही है लगातार और रोड की खसूसियत, इसका जायका और बहुत सारी बातें बताएंगे। तो जुड़े रहिएगा सुबहान बेकरी नामपल्ली के साथ और AJ चैनल के साथ। इस तरह घूम कर जा रही है और लोग वहाँ पर लेकर वापस आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। सबके पास एक ही कवर है, एक ही बैग है, सुबहान बेकरी और इसमें है स्पेशल माह मुहर्रम के दम के रोड। एकदम जायका टेस्ट, हाँ हर बार की तरह एकदम ठीक। नामपल्ली की बिल्कुल मसरूफ तरीन सड़क और उसी से मुत्तसिल सुबहान बेकरी का ये काउंटर जहाँ पर लाइन लगी हुई है, ये लोग ले रहे हैं आ रहे हैं। एक और एक होते हैं 11 और ये चैनल है बहुत ही प्यारा क्योंकि इसने भी कवरेज का जो जिम्मा लिया है।
हैदराबाद की पहचान जिस तरह से चार मीनार है उसी तरह से इस जुबान भी एक थी। खास करके मुहर्रम में यहाँ पर 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम के वक्त काफ़ी हजूम रहता है। यहाँ पर कस्टमर्स की सहूलत के लिए हम लोग यहाँ पर हर साल न्यूज़ कवरेज करते हैं, और क्योंकि सुभान बेकरी एक ऐसी बेकरी है जिस पे यहाँ पर बहुत ही अच्छे रोज दम के रोज के अलावा और सारे जो बिस्किट्स है, फूड बिस्किट है, सामानिया खाने है, बहुत ही अच्छे हैं। उमदा क्वालिटी, नीटनेस, हाइजीनिक क्वालिटी बहुत ही अच्छा। हमारे इरफान साहब और दीगर जितने भी लोग हैं यहाँ पर, सारा स्टाफ भी, और बल्कि हैदराबाद और तेलंगाना नहीं, हिंदुस्तानी दुनिया में सुभान बेकरी मशहूर हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जैसा कि मर्द मैदान या मैन ऑफ द मैच अगर कहें तो हमारे इरफान साहब हैं। मैं देख रहा हूं कि यहां पर इतनी खतार है जो बढ़ रही है लगातार, और बारिश की वजह से डिस्ट्रिक्ट के लोग आए हैं अभी, इंशाल्लाह जो है ना कल परसों डिस्ट्रिक्ट के लोग भी आएंगे तो मैं खतार से और ज़्यादा रश रहेगा। इरफान साहब, आपने जो इजारादारी या मोनोपोली जो आपने कायम की है, मोनोपोली नहीं है, अल्लाह करम है जो है ना, मोनोपोली किसी की कभी रही ना किसी की रहेंगी, ये व्यापार है, इसमें जो है ना कॉम्पिटिशन रहना बहुत ज़रूरी है। कॉम्पिटिशन से हमेशा जो है ना लोग हर किसी को फ़ायदा है, नुकसान नहीं है, मोनोपोली से जो है ना नुकसान है। यानी यहाँ सुभान बेकरी का न सिर्फ जायका उमदा है बल्कि आपके ख्याल ही बहुत ही उमदा हैं। जी हाँ, हमारी कोशिश रहती है जो है ना, हम जो है सोसाइटी के हालों पर सोचना, सिर्फ सेल्फिश रहना हमारे लिए नहीं सोचना। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त हमारे लिए निकाल लिया, थैंक यू। आपके लिए हर वक्त हाजिर है साहब, शुक्रिया। नाज़रीन, हम सुभान बेकरी के रोड को खाकर मंजूम तबसरा करें, टेस्टी जायकादार हैं सुभान के रोड, तभी तो इस मुल्क को मिलते हैं सबके को। सारी दुनिया में है सुभान का नाम, जिम या मूसलाधार बारिश गिरे, रिमझिम या मूसलाधार बारिश, हर एक के दिल में है दम के रोट खाने की खाए। सुभान बेकरी के मालिक इरफान साहब ने अपने ख्याल की जो इजहार किया है उसको हम बिस्तरे में बताते हैं। इरफान साहब का ख्याल है कि कस्टमर्स ही हैं अपनी असली आन बान शान। ये तो रेगुलर काउंटर है, काउंटर, और अगर हम थोड़ा बाहर निकले तो उसकी कतार या लाइन या क्यों जो भी कह रहे हैं यहाँ तक आ गया। बिल्कुल नाम के नीचे आप देख सकते हैं नाज़रीन, यहाँ से होती हुई ये, हम इंतजाम यहाँ तक आपको बताए थे लाइन, लेकिन ये जितनी जो शायद लाइन है ये महज जायके की पहचान है। और ये देखिए जहाँ भी है लंबी जो कतार है उसमें ये जनाब भी हैं। रोज लेने के वास्ते कह रहा हूँ। अरे वाह, यहाँ ले रही है आप देख सकते हैं, ये मैनेजमेंट पूरा रोड देने की रफ से बिल्कुल मसरूफ है। देखिए जस्ट लगाकर फुर्ती से लोग काम कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद ये रोड जब मिलते हैं तो लोग जाते हैं और उनका आसुदगी का जो सफ़र है कतार में वो यहाँ आकर ख़त्म होता है। देखिए बहुत सारे हैं यहाँ पर बॉक्सेस, ये प्रोसेस ठहरने का, लेने का और जाने का। लेकर जा रहे हैं गाड़ी तो